ताड़ासन स्थिति देख लेंगे। बच्चों के लिए अति उत्तम आसन, बच्चों की लंबाई में वृद्धि होती है। इससे स्थिति देखें, अपने आसन पर खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, लेट जाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, दोनों हथेलियां पृथ्वी पर, दोनों हाथों को तानते हुए सर के पीछे ले जाएंगे। श्वास भरेंगे, दोनों पैर दोनों हाथ विपरीत दिशा में खींचेंगे, पंजे आगे की ओर तने में, आंखें बंद। एक बार और स्थिति देख लेंगे, अपने आसन पर बैठकर लेट जाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को तानते हुए सर के पीछे ले जाएंगे। एक गहरा लंबा सांस भरेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर विपरीत दिशा में खींचेंगे, पंजे आगे की ओर तने हुए, आंखें बंद रखें। एक बार और सांस भरेंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ दोनों पैर विपरीत दिशा में खींचेंगे, प्रभाव नाभि पर। सांस छोड़ते हुए एड़ी पंजे दाएं बाएं, एक बार पुनः सांस भरेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर विपरीत दिशा में खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। पुनः सांस भरेंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ दोनों पैर विपरीत दिशा में खींचे अधिक से अधिक, आंखें बंद। सांस छोड़ते हुए पंजे दाएं बाएं, हाथ नीचे की ओर लाएंगे, विश्राम की स्थिति में सांसें सामान्य कर लें। 20 से 30 सेकंड विश्राम करें, इससे हम अगले आसन के लिए शरीर को तैयार कर सकें। आप देख लेंगे हम प्रभाव पूरी रीढ़ पर पड़ता है, समस्त मांसपेशियों पर पड़ता है। इसके लाभ भी हम जान लेंगे। बच्चों की जो लंबाई है ना, बहुत अधिक वृद्धि होती है उसमें। बड़ों का आलस्य बच्चों का आलस्य दूर होता है, इससे करने के लिए शरीर में शक्ति संचार होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब करना ना।